हेलो फ्रेंड्स, मैं सरफराज कमल। फ्रेंड्स, वाकई में 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट में बहुत बड़ा गेम हो गया, बहुत बड़ा खेला हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट ने भरपूर तरीके से बेवकूफ़ बनाया, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का माल निकलवाया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने माल को समेटा और मार्केट को लाल दिखा करके इस तरह से सीन क्रिएट कर दिया कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने अपना माल बेच दिया और फिर वापस से मार्केट ने कवर किया नहीं करा, लेकिन शेयर्स ने कवर किए। फ्रेंड्स, छोटे शेयर्स की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बीच में मैंने आपको बोला था एक बार कि बड़े बड़े बैंकों के शेयर बेच लीजिए और छोटे बैंक के शेयर समेट लीजिए और उन बैंकों में देख लीजिए कितना डाउनफॉल है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यस बैंक 25 रुपये के आसपास ही चल रहा है अभी भी। क्या स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, मार्केट 2000 पॉइंट के आसपास टूट चुका 2 दिन में, लेकिन फिर भी शेयर 25 रुपये बना हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, जब शेयर एक अपट्रैक मूवमेंट पे आया था फिर मार्केट गिरता है तो वो शेयर गिरता है, लेकिन कम गिरता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से वो शेयर तो वैसे ही गिरा हुआ है। यस बैंक जैसा शेयर तो गिरा हुआ ही है, कौन सा 400 पे चल रहा है, 25 रुपये भी था। जो लोगों ने 17, 18, 20, 21 में खरीदा, उन्होंने बेच दिया कि यार ये ओर नीचे आएगा, डर के मारे बेच दिया। और जो इन्वेस्टर थे वो सोच रहे थे यार अभी तो ओर नीचे आएगा, वो खरीदेंगे नहीं, बस यहीं पर गेम हुआ। और ऐसे ही गेम होता है हर शेयर में, जो छोटे लेवल पर शेयर होता है उनमें ऐसे ही गेम होता है। तो वो शेयर हुआ क्या, मार्केट लाल दिखने लग गया, शेयर 24 रुपये के आसपास तक आने लग गया, लोगों को लगा अभी ओर नीचे आएगा, जिनके माल तो उन्होंने बेच दिया और जिनको लेना था उन्होंने लिया नहीं और फिर शेयर वापस से 25 रुपये के आसपास आ गया। स्ट्रांग स्टेबिलिटी दिखा रखी है और अब जैसे मार्केट बढ़ेगा तो ये 30 रुपये प्लस चला जाएगा, फिर हम सोचेंगे यार हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करा, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।